नमस्ते दोस्तों। सर्दियों के खूबसूरत से फूल से हमारी बगिया तो इस समय सजी हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद जब गर्मियाँ ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी तो ये फूल जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तब हमें अपने गार्डन के लिए कुछ ऐसे फूल चाहिए जो कि गर्मी में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो आज की वीडियो में बिना देर किए हुए मैं बताती हूँ कि मैं कौन से ऐसे पौधे हैं, कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर प्लांट हैं जो कि मैं आज अपने गार्डन में गर्मियों के लिए लगाने वाली हूँ। खास करके अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या नॉर्मल गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ऐसे पौधे जो कि आप सीड से बहुत आसानी से उगा सकते हैं, और इन पौधों को सीड से उगाना ही हमें बेहतर पड़ता है और सस्ता पड़ता है। तो इन पौधों को कैसे आप उगा सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में शेयर करती हूँ। सबसे पहले कि कौन कौन सी वैरायटी के फूल मैं लगाने जा रही हूँ, और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि इन पौधों की सीडलिंग तैयार करने का मेरा क्या तरीका है। सब अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, मैं किस तरीके से सीडलिंग तैयार करती हूँ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, इन पौधों की जानकारी के साथ इनको लगाने का पूरा तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं कौन से खूबसूरत से फूलों की इस बार सीडलिंग्स डालने वाली हूँ। और गर्मियों की इन फूलों की खासियत है कि इनके सीड जो होते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ईजिली इनके आप पौध तैयार कर सकते हैं। इन्हीं पौधों को जब आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे तो 30-40 रुपये में एक पौधा पड़ता है, जबकि आप सीड तैयार करेंगे तो 30-40 रुपए में आप कम से कम 40-50 पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये सारे पौधे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और जिनसे मैंने मंगाया था उन्होंने ये बहुत अच्छे रेट में मुझे दिया है। और अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक, मोबाइल नंबर वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको कॉन्टैक्ट करके आप भी ये पौधे मंगा सकते हैं। सबसे पहला जो पौधा है वो देखिए गिलाड़िया का है। गिलाड़िया जो होता है गेंदे के जैसा खूबसूरत सा फूल होता है और गर्मियों का बहुत ही बेहतरीन फूल होता है। कई सारे कलर्स वैरायटी में मिलता है, मैंने मिक्स कलर का मंगा रखा है और आप देख लेंगे 50 रुपये लिखा है लेकिन ये केवल 25 रुपये में मुझे बहुत आसानी से मिल गया है। और इसमें सीड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी होगी, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी खासी होगी। आगे मैं खोल के आपको पूरा पैकेट दिखाऊंगी। दूसरा पौधा देखिए ये है जीनिया का। जीनिया के पौधे गर्मियों के बहुत ही बेहतरीन पौधे होते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुलदाउदी की कमी को पूरा करते हैं ये फूल। ये भी मैंने मिक्स कलर का मंगाया है, हाइब्रिड वैरायटी है। ये 96 रुपीज़ लिखा हुआ है लेकिन मुझे बहुत आसानी से 60 रुपीज़ का ये पैकेट मिल गया है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी होती है। इस कंपनी के मैं फूल के बीज कई बार मंगा चुकी हूँ और उसका जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा होता है। तीसरा जो है ये कॉस्मोस का है। कॉस्मोस मैंने इसे पहले भी मंगाया था लेकिन इतने सारे जो कलर्स दिखाए जा रहे हैं, इतने सारे कलर्स ना होके केवल येलो और ऑरेंज कलर का था। इसमें देखते हैं कैसे कलर रहते हैं। ये देखिए गोल मिर्ची या हॉट पेपर जिसको आप कह सकते हैं, काफ़ी तीखी होती है और गुच्छों में ये गोल गोल फलती है। इसकी पौध मेरे पास पहले थी, बहुत अच्छी फलती थी लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी, तो मैंने दोबारा से इसको मंगा लिया है। और सिलोसिया काफ़ी बेहतरीन फूल होता है, इसको मुर्गे के फूल जैसा हमारा जो होता है उसी के जैसा होता है। ये मैंने मिक्स कलर का मंगाया है और इसको भी बीजों से ग्रो करना बहुत आसान होता है। एक बार आपने इसके पौध लगा ली तो फिर इसके बीज इतने ही ज़्यादा होंगे कि आप बीज बांटते बांटते थक जाएंगे और फिर वो अपने आप ही जर्मिनेट होते रहेंगे। तो इसको आपको अपने गार्डन में पक्का लगाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत इसके भी फूल होते हैं और कई सारी कलर्स वैरायटी में ये भी मिलता है। ये भी बीज 25 रुपये का है। और यहाँ पर देखिए जीनिया डबल मिक्स, वहाँ पे मैंने जो जीनिया दिखाया था वो सिंगल पेटल वाला था। ये जीनिया की हाइब्रिड सीड है जो डबल मिक्स होती है, यानी मल्टी पेटल होती है। ये भी 25 रुपये का मुझे मिला है और बहुत ही गर्मियों का हमारा ये पोर्चोलिका या जिसको हम लोग संजीनी बूटी कहते हैं, ये भी मिक्स कलर का। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीड मंगाए हैं, इसके अलावा कुछ और वेजिटेबल के सीड मैंने मंगाए हैं जैसे कि लौकी, नेनुआ और सरपतिया वगैरह, या आप कह सकते हैं गर्मियों की धनिया वगैरह जो हुई हैं वो भी चीज़ें हैं। अब मैं बता देती हूँ कि इन पौधों को लगाने के लिए हमने मिट्टी कैसे बनाई। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो मिट्टी काफ़ी हल्की और बलुई मिट्टी है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप लगभग 60% मिट्टी लीजिएगा, उसमें 20% कोई भी रेत की पतली बालू जो होती है वो मिलाइएगा और 20% कोको पिट मिलाएगा। मेरे यहाँ की मिट्टी ऑलरेडी बलुई है, एकदम भुरभुरी है और काफ़ी हल्की मिट्टी है। इसमें मैंने कोकोपिट वगैरह जो था वो पहले से भी मिला रखा था क्योंकि इस ट्रे में मैं अधिकतर सीड ही हमेशा ग्रो करती हूँ, तो इसकी मिट्टी बनी बनाई है। बस ऊपर की मिट्टी में इसमें थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। तो इस प्रकार से जब भी आप बीज लगाएं तो ध्यान रखिए आपको एकदम हल्की मिट्टी बनानी है, क्योंकि बीजों को लगाने के लिए जितनी हल्की मिट्टी देंगे उतना अच्छा रहता है। इस जो मेरा थर्माकोल का सीड पॉट है इसको मैंने 2 दिन पहले पूरी तरह से पानी से भिगो दिया था और 2-3 दिन के बाद जब ये हल्की सी इसकी मिट्टी ड्राई होगी तो मैंने अच्छे से निराई गुड़ाई करके एकदम नॉर्मल मिट्टी, एकदम भुरभुरी सी मिट्टी बना ली है। और चलिए मैं इसमें आपको सीड लगा के बता देती हूँ। तो जो पहली मैं सीड लगाने जा रही हूँ देखिए जीनिया की है, और देखिए
₹50 के पैकेट में कितने सारी सीड मिली हैं, और काफ़ी अच्छी ये सीड्स हैं। इसमें से लगभग आराम से 30-40 सीड जो हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी, और इनको ग्रो करना काफ़ी आसान है। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं अपने बीज लगाती हूँ, कोई तामझाम नहीं करना है। अपना इस तरीके से सीडलिंग पॉट बनाया, उसके बाद मिट्टियों जो हमारे बीज हैं उनको थोड़ी सी दूरी पे, एक साथ एक जगह पे हमें बहुत सारी जो बीज हैं उसको नहीं गिराना है, थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें गिराना है। इस तरीके से जो हमारे पौधे तैयार होंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे, और कम जगह में बहुत अच्छे से हमारे बीज जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो ये पहले बीज है, इसको लगाने के बाद हम पहचानेंगे कैसे कि मैंने यहाँ पे कौन सा फूल लगाया था। तो ये जो फूलों का पैकेट है, उसी फूल की एक स्ट्रिप जहाँ पे नाम लिखा रहता है उसको काट के मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये जो दूसरा फूल आप देख रहे होंगे, ये वाला जो है ये है ग्लैडियस का। ग्लैडियस की भी सीड आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी अधिक है, और ये देखिए कितनी सारे इसमें सीड्स हैं, और ये भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला है। और ये देखिए, आप ऐसे अगर आपके पास ज़्यादा सीड हैं तो आप आधी सीड एक बार लगाइए, आधी सीड आप कुछ दिनों के बाद दोबारा लगाइए। तो इस तरीके से हमें जो पौधे होते हैं लंबे समय तक चलने के लिए मिलते हैं। इसको भी मैं इस तरह से मिट्टी पर बिछा दूँगी, और बिछाने के बाद इसका जो पैकेट था उसके एक पतली सी स्ट्रिप काट के इसके बगल में लगा दूं, ताकि मैं पहचान सकूं कि यहाँ पे मैंने कौन सा पौधा लगाया था और ये किस पौधे के सीड्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसके पूरे जितने भी सीड्स हैं सब लगा दूंगी। दोबारा के लिए मैं नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी काफ़ी अच्छा खासा गार्डन है, और ऊपर टेरेस गार्डन भी है। इतने पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं, और जो कुछ बचते हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को या रिश्तेदारों को जिनको चाहिए होते हैं उनको मैं बांट देती हूँ। तीसरा देखिए, कॉस्मोस का पौधा है, उसको भी सेम इसी तरीके से मिट्टी में मैं अपनी लाइन बनाऊंगी। लाइन बनाने के बाद उसको ऊपर से छिड़क दूँगी, और इस तरह एक एक करके देखिए मैंने सारे जितने भी मेरे पौधे थे, चाहे कोलियस था, कॉस्मोस था और पेपर था, सबको लगा दिया है। और सबके ऊपर एक स्ट्रिप जो थी उसी पैकेट को काट काट के मैंने उनको इंडिकेशन के लिए भी लगा दिया है, और ऊपर से एक पतली सी, लगभग बहुत पतली सी एक मिट्टी की परत ऊपर से मैं डाल दूँगी, ताकि ये सारे सीड्स जो हैं वो अच्छी तरह से ढक जाए। यहाँ मैं पानी का प्रयोग नहीं करूँगी कि मेरी मिट्टी में अभी भी नमी है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आप स्प्रे बॉटल से लेकर इस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी बारिश भी हो रही है, तो इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। और इतना सब करने के बाद अपनी इस सीडलिंग पॉट को उठा कर किसी छायादार जगह पर मैं एक या दो दिन के लिए रख दूँगी, या इसके ऊपर से पॉलिथीन कवर लगा के इसको पहले एक या दो दिन के लिए रखूँगी, ताकि नमी के कारण बीज जो है फूल जाएँ। फिर उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन होंगे, फिर मैं किसी पेड़ की छाया में या पौधों की छाया में इसको रखूँगी, और जैसे जैसे सीड जर्मिनेट होंगे फिर मैं उसको धूप में रखूँगी। बहुत तेज़ धूप में हमें इन छोटे छोटे बीजों को नहीं रखना है, क्योंकि इस समय की धूप जो होती है वो तेज़ होती है। जैसे ही आपके पौधे जर्मिनेट हो गए, कुछ लोग गलती करते हैं कि उन्हें तेज़ धूप में रख देते हैं, तो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं हमारे जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए किसी पेड़ की छाया में इस सीडलिंग पॉट को रखिए, और जब आपके पौधे 4-5 इंच के हो जाएं तो उसके बाद आप इनको धूप में रखें। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सीड्स लगा सकते हैं। मैं इसी तरीके से हर साल अपने सीड्स लगाती हूँ, लेकिन मानिए दोस्तों सीड बहुत अच्छे जर्मिनेट होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसकी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जैसे ही मेरे सीड्स जम जाएँगे। और ये देखिए मेरे कुछ पौधे जो कि मैं पिछली बार सर्दियों में इनसे मैंने उसके सीड्स मंगाए थे और लगाए थे यहाँ पे, कुछ मैं नर्सरी से भी खरीद के लाई हूँ, लेकिन कुछ उन्हीं के सीड्स हैं जो मैंने लगाए हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं। सर्दियों के फूल तो इस समय मेरे गार्डन में इतने अधिक खिले हैं कि उसको देख के मन खुश हो जाएगा। और अगर आप मेरे पूरा गार्डन देखना चाहते हैं, कौन कौन सी वैरायटी के मैंने फूल लगाए हैं वो सब देखना चाहते हैं, इन फूलों के लिए मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्या कुछ सावधानियाँ रखती हूँ, अगर ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इन फूलों की जानकारी से रिलेटेड मिलेंगी। फर्टिलाइजर्स की जानकारी आपको मिलेगी, इन फूलों से रिलेटेड केयर टिप्स मिलेंगी। बहुत ही जल्दी मैंने पिटूनिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप चाहते हैं इतनी हैवी फ्लावरिंग आपके पिटूनिया में भी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे ये खूबसूरत से फूल आप लोगों को कैसे लगे। यहाँ देखिए जितने भी डायंथस आप देख रहे हैं, ये उन्हीं सीड सेलर से मैंने परचेस किए थे, और उसके सीड हैं, और देखिए अब काफ़ी अच्छे खासे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और यहाँ मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं, और इधर एक साइड मैंने पिटूनिया वगैरह रखे हैं, और सब में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा
मैंने कौन कौन से फूल लगाए ये। आप लोग को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डन दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इन खूबसूरत से फूलों की जानकारी आपको मिलती रहेगी और एक अच्छी और बेहतरीन जानकारी आप लोग को मिलेगी। साथ ही ये मेरे कुछ खूबसूरत से पेंजी के फूल, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इसको जो हमारी पाइप होती है, एक टूटी हुई पाइप थी,